अगले हफ्ते करूंगा, बाद में कभी देख लूंगा यार इस काम को। देखता हूँ कब मौका पड़ता है, कभी न कभी तो कर ही लूंगा। ये इतना भी मुश्किल नहीं है कि मुझे अभी इसी वक्त करने की जरूरत है। आज का दिन सही नहीं है इस काम के लिए, अभी थोड़ा थका हुआ हूँ और लोग भी तो सो रहे हैं, मुझे जल्दी करके क्या मिल जाएगा। इस काम का सही वक्त अभी आया नहीं है, लेकिन किंतु परंतु अभी नहीं, शायद कल परसों, बाद में देखूंगा, कर लूंगा। थोड़ी देर सोने दो, थोड़ा व्हाट्सअप चला लूं, अलार्म बजते ही जग जाऊंगा। जिन लोगों ने सब वर्ड्स को यूज कर करके वायरल कर दिया है उनको मेरा सलाम है, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही आज ये वीडियो बन पाया है। तो सुनो, तुम लगाते रहे अपनी किस्मत पर आरोप कई दफा। लोग कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने आलस को कुचल कर अपनी तकदीर लिख डाली। तुम टालते रहे हर काम को बना के गंदी आदत। लोग कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी आदत बदल डाली। तुमको लगता गया कि तुम्हारे पास समय अनंत है, और फिर तुमको लगने लगा कि मेरी किस्मत ही बंद है। तुमको लगता गया कि बड़ा करने वाले इंसान अलग होते हैं, जबकि सुनो, बड़ा करने वालों की सिर्फ आदतें अलग होती हैं। उन आदतों में से एक है आलस न करना, अपने आलस का गुलाम न बनना, अपने सपनों को आलस की भेंट न चढ़ने देना। नहीं है कोई टेबलेट या इंजेक्शन इस आलस का, अगर है कोई इलाज तो वो तुम्हारे अंदर है। नहीं है कोई काम ऐसा जो तुम आलस को छोड़ के नहीं कर पाओगे, बस इतना सा फर्क है कि थोड़ा वक्त ही तो लग जाएगा। काम को टालने की आदत तुम्हारी गई नहीं है अभी तक कि मुझे जीना है कई सदियों तक। सही कहा है किसी ने, एक इंसान ने, कि आलस में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। आज मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त तुम्हें आलस आए, समझो तुम जानवर बन गए हो। अरे उससे भी बुरे बन गए हो, तुम खत्म हो गए हो। और अगर नहीं हुए तो उठो और देखो अपनी किताबों को, जो सदियों से किसी मेले में बिछड़े हुए भाई की तरह तुमसे मिलने को बेताब हैं कि मुझे पढ़ने वाला आएगा। देखो अपने डंबल्स की तरफ जो बोल रहे हैं कि मुझे उठाने वाला आएगा। देखो अपने सपनों की तरफ जो कह रहे हैं कि मेरे लिए रातों में जगने वाला आएगा। अगर लगता है तुम्हें कि ये तुम्हारा काम और पढ़ाई मुश्किल है, तो समझ लेना कि आलस ही एकमात्र तुम्हारा असली एविल है। अरे कमी नहीं है जिंदगी में अवसरों की, लेकिन अगले अवसर के इंतजार में अभी वाला अवसर गवा देना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। लिमिट नहीं है लाइफ में तुम्हारी सक्सेस की, लेकिन अनलिमिटेड नींद लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। बना के बहाना कि आज दुनिया में कंपटीशन बहुत है, रुक जाना यह सोचकर ही सबसे बड़ी मूर्खता है। तो मेरे दोस्त, इस चारपाई से, इस मोबाइल से दोस्ती तोड़कर उठो और प्रयास करो, और अपनी मेहनत की बुनियादी पर अपनी सफलता का ध्वज लहराओ। तभी इस देश में कई महान लोग होंगे, कई सितारे होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में मदद करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।